तो यार फोर्थ फ्लोर पे तो मैं आ गया हूँ, पर फोर्थ फ्लोर में तो यहाँ पर कोई है ही नहीं। यार सर मजाक कर रहे हैं क्या मेरे साथ? पहले दिन अभी कोई है ही नहीं यहाँ पे, ताला लगा हुआ है, ये देखिए ताला 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 है। वो सब काम चल रहा है, बनेगा तो भाई तगड़ा बनेगा। पर ये तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, जहाँ मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, ये सारे हॉस्टल्स बने हुए हैं। तो ये वाला जो हॉस्टल बनाया गया वाइट कलर का, ये गर्ल्स हॉस्टल है। और उसके तो भैया राम राम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज मेरा कॉलेज का पहला दिन है और कॉलेज में एंट्री हो चुका हूँ। भाई सही बता रहा हूँ, मतलब मुझे 8 बजे बुलाया गया था और मैं अभी टाइम हो रहा है, मैं रुकी टाइम देखता हूँ, अभी हो रहा है वो 8:13 हो रहा है। तब मैं इतना डर गया था कि साला पहले दिन कॉलेज का है और मैं कहीं लेट तो हो ही गया था, कोई मुझे 8 बजे बुलाया था, मैं 13 मिनट लेट हूँ। पर अभी मैंने सर को फ़ोन किया, सर मैं कॉलेज पहुँच चुका हूँ, बताइए कहाँ पे आना है। सर बोले मैं अभी आया ही नहीं हूँ। तो मुझे थोड़ा सा ठंडक लगी, अच्छा हुआ चलो अच्छा है सर ही नहीं आए, सर ही नहीं आए अभी है, तो मुझे बुला लिया जल्दी। चलो ये तो अच्छा रहा कि जो है मुझे बुला लिया जल्दी, मैं तो जल्दी आ भी गया और सर अभी आए नहीं हैं। अपना सर आते हैं और मुझे कुछ पता ही नहीं है आज मेरा फर्स्ट डे, टाइमिंग क्या है आज पूरा चीज़ पता करूँगा। और भाई कॉलेज कैंपस बहुत अच्छा है, बहुत ही बड़ा है और मैं आपको कैंपस दिखाता हूँ। मैं भी कल ही आया था, एडमिशन लिया मैंने और एडमिशन लेने के बाद मैं फिर मैं सीधे घर चला गया। आज घूमते भी हैं और आप लोगों को दिखाते भी हैं कॉलेज कैंपस, कि कॉलेज कैंपस है कैसा। और भाई जल्दी जल्दी रेडी हुआ हूँ, जल्दी जल्दी तैयार हूँ, जो मतलब समझिए मैं जो लेट उठा, फिर लेट जानते हैं जब लेट एक बार हो गया ना फिर सारे काम लेट हो जाते हैं। फिर जल्दी 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 जो भी कुछ किया, बाल भी सही से सेट नहीं हो पाए मेरे, पर जल्दी चलते हैं आपको दिखाते हैं। तो भैया कॉलेज का पहला दिन है तो निकलते हैं आपको दिखाते हैं। तो भाई गाड़ी खड़ी कर दी है, इसमें सारा सामान है, उसको उसमें पड़े रहने देते हैं। और ये गाड़ी खड़ी कर दी है यार, अभी यहाँ मेरे को देखना है, कुछ आवाज़ आई थी यहाँ किनारे से, देखना मुझे डेंट तो नहीं लग गया है, मैं देखता हूँ गाड़ी में। नहीं भाई डेंट नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा है। अच्छा गाड़ी में डेंट वन लगता है ना, मतलब यहाँ पे डेंट लगता है, यहाँ पे डेंट लग गया है ऐसा लगता है। भाई कॉलेज तो यार बहुत खूबसूरत बना हुआ है, बस चलते हैं देखते हैं क्या क्या है कॉलेज में, फिर बाद में निकलते हैं जब सर भी अभी तक नहीं आए हैं, तब तो थोड़ा सा कॉलेज घूम लिया जाए। गाड़ी पार्किंग पे लगा दी है और ये है मेरा एकेडमिक, यहीं पे सारे क्लासेस होती हैं, यहीं पे सारे पेपर होते हैं। ये है एकेडमिक ब्लॉक, ये सामने प्लेग्राउंड है, यहाँ पर कल जब मैं आया था तो कई लोग मैच खेल रहे थे और बास्केटबॉल भी खेल रहे थे। ये पता नहीं क्या है पर ये बहुत मस्त चीज़ है, ये देखिए अच्छा खासा फील्ड दे रखा है, अच्छी खासी स्पेस भी है यहाँ पर, सब लोग आके बैठते भी हैं दोपहर में 11-12 बजे के करीब, क्योंकि कल मैं 11-12 बजे के करीब ही आया था तो पूरा भरा हुआ था। और ये है लाइब्रेरी, यहाँ पे भाई सब
बुक्स हैं जिनको आके पढ़ना है वो पढ़ सकता है। कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जैसे लाइब्रेरी कार्ड होता है वो बनाना होना पड़ता है, शायद उसी के थ्रू आप बुक कोई भी इशू करा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यह है लाइब्रेरी। सर खड़े हुए हैं और ये जो आप देख रहे हैं ना कांच वाली बिल्डिंग, ये बड़ी वाली, ये मेन ऑफिस है। मतलब किसी को एडमिशन लेना हो या फीस को डिपॉजिट करना हो तो वो यहाँ पे आके कर सकता है। मतलब ये मेन हेड ऑफिस है, यहीं से सारा हर चीज़ मैनेजमेंट कंट्रोल होता है और मैनेज किया जाता है। यही सब सारी चीज़ें हैं। यह है, ये भी शायद वही है, मैनेजमेंट का ही बिल्डिंग है। और ये है एकेडमी सेक्शन जहाँ पे सारी क्लासेस होती हैं। और क्या धूप निकली है भाई, ठंडी में धूप लेने का मज़ा ही अलग है। तो भाई कॉलेज में बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट डे है कॉलेज का। और मैं बता दूँ कि मैं इस कॉलेज से LLM कर रहा हूँ और मैंने BBA LLB किया हुआ है BBD से। और यहाँ पे मुझे एडमिशन भाई बहुत मुश्किल से मिला हुआ है और ये मेरा पहला गवर्नमेंट कॉलेज है। मैंने आज तक अभी भी गवर्नमेंट कॉलेज में रह के पढ़ाई नहीं की है, तो मेरा ये पहला गवर्नमेंट कॉलेज है। और विद द गॉड ऑफ ग्रेस भाई मेरा एडमिशन हो गया, बल्कि यहाँ एडमिशन जल्दी हो भी नहीं रहा था और सीट भी फुल हो चुकी थी। 2 सीट बची थी जिसमें से आपके भाई का नाम लिखा था, तो वो सीट कल मैंने ले ली है। तो भाई एडमिशन हो गया है, बस अब पढ़ाई करनी है, थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। फिर पता नहीं क्या है यार, यहाँ पे एग्ज़ाम उग्ज़ाम कब होता है क्या होता है कुछ पता ही नहीं है कुछ। हाय भगवान, भाई सही बता रहा हूँ ना, ठंडी का मौसम मुझे बहुत ही पसंद है, सबको पसंद होगा यार। धूप में कौन किसको पसंद है, धूप में पसीना इतना चूता रहता है, और ठंडी में देख रहे हो चेहरा वगैरह एकदम चमकता रहता है पूरा। ये है बास्केटबॉल कोर्ट यार्ड कुछ बोलते हैं इसे। और ये है पार्किंग, यहाँ पे अपने बाइक कार्स जो भी खड़ी करनी है खड़ी कर सकते हैं। भाई स्पेस बहुत है, भाई स्पेस इस कॉलेज में बहुत है। मतलब कॉलेज में इतनी अच्छी खासी स्पेस है कि मतलब हर चीज़ जो भी है यहाँ पे बहुत सिस्टमेटिक है, मतलब कोई वो नहीं है, मतलब भसड़ टाइप में नहीं है। और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे इस कॉलेज में। देख रहे हैं, ये देखिए और ये सामने से जो आप देख रहे हैं ना जो बाइक आ रही है, ये एंट्री गेट है, ये मेन गेट है और बैक गेट पीछे है। तो भाई ये है वो बिल्डिंग जहाँ पे सारी फीस डिपॉजिट होती है, एडमिशन्स होते हैं। अगर आपको वो लेना हो तो भाई यही बिल्डिंग आपको आनी पड़ेगी, ये शीशे वाली बिल्डिंग। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ना जहाँ मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, ये सारे हॉस्टल्स बने हुए हैं। तो ये वाला जो हॉस्टल बनाया है ना वाइट कलर का, ये गर्ल्स हॉस्टल है और उसके आगे जो है वो बॉयज़ हॉस्टल है। तो अभी सारे हॉस्टल्स बने हुए हैं, जिमनेशियम भी है, जिम भी है। मैं जिम गया नहीं हूँ अभी, टाइम भी नहीं उतना कि जिम जाऊँ। अब तो कॉलेज रोज ही आना है तो रोज देखेंगे क्या है। तो ये देखिए, मैंने देखा कॉलेज में, मोर किसने देखा भाई, मैंने देखा कॉलेज में यार। ये
तो भाई अभी सर का कॉल आया था कि जो है फोर्थ फ्लोर पे जाओ, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, तो चल रहा हूँ फोर्थ फ्लोर पे, देखता हूँ। फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, तो यार फोर्थ फ्लोर पे तो मैं आ गया हूँ, पर फोर्थ फ्लोर में तो यहाँ पर कोई है ही नहीं। यार सर मजाक कर रहे हैं क्या मेरे साथ? पहले दिन कोई है ही नहीं, यहाँ पे ताला लगा हुआ है, ये देखिए ताला ताला ताला। यार भाई, यार यहाँ कोई है ही नहीं, यहाँ तो खेल हो रखा है साला। यहाँ फोटो पर तुम आ गया यार, हर जगह से ताले पड़े हुए हैं। सर को फिर से फ़ोन करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा सर कहाँ आना है। सर फोटो पर तो खड़े हैं, अच्छा भाई ये सब बन रहा है, देख रहे हैं ये सब काम चल रहा है। बनेगा तो भाई तगड़ा बनेगा। पर ये तो भाई कॉलेज हो गया है ख़त्म और अब निकल चुके हैं घर की ओर। कॉलेज का दिन भाई बहुत अच्छा गया आज, और सर जो हैं वो क्लास में ही बैठे हुए थे और हम उनको फ़ोन किए, हमने कहा सर आप बताइए है कहाँ, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे, पूरा खाली खाली पड़ा हुआ है। सर बोले कि पीछे आओ, जब पीछे गए तो वहाँ पे भाई पूरी क्लास चल रही थी। तो उसके बाद में भाई क्लास एंड किया, अब बज रहे हैं 12:52 बस, और आधा घंटा करीब लगेगा मुझे अपने घर पहुँचने में। भाई सही बता रहा हूँ, बहुत थक चुका हूँ। और मेन चीज़ ना, एक साल का गैप हो गया LLB के बाद, एक साल का मैंने गैप किया, उसके बाद LLM किया, क्लास में आदत छूट गई है ज़्यादा बैठने की। अब है रेगुलर होंगे तो बन जाएगी आदत। अच्छा इस कॉलेज के बारे में मैं कुछ बताता हूँ। इस कॉलेज में मुझे ये अच्छी लगी ये चीज़ कि ये कॉलेज है थोड़ा थोड़ा क्या मतलब सही है, कॉलेज सही है, बहुत प्यारा कॉलेज है, कॉलेज में कोई वो नहीं है। और मुझे सबसे ज़्यादा इस कॉलेज की ये बात अच्छी लगी जो कि मैं आपसे शेयर भी करना चाहता हूँ कि यार इस कॉलेज, ये कॉलेज है मुस्लिम कॉलेज है, और इसमें मतलब 80% जो मुस्लिम्स हैं बॉयज़ और गर्ल्स इसमें पढ़ती हैं, और इसमें 20% में सब आ जाते हैं, मतलब हिंदू भी आ जाते हैं, सिख भी आ जाते हैं और अदर कास्ट भी आ जाते हैं। पर सबसे अच्छी ये बात है कि भाई यहाँ पे ना ये नहीं है कि जातिवाद को लेके लड़ाइयाँ हों, या मतलब मुसलमान की पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो वो हिंदू को दाब रहे हों। मैं ऐसा इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं ये मुझे ऐसे बात तो नहीं करना चाहिए कास्ट के बारे में, पर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई मैं, मेरा देखो पहला दिन हुआ, पर मैंने पहले दिन में थोड़ा सा पता चल जाता है ना, पहले दिन में मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये मुस्लिम कॉलेज होने के बाद भी इसमें ज़्यादातर 80% मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, पर जो है मतलब इतने प्यार से रहते हैं, इक्वलिटी इतनी अच्छी है, और वे ऑफ कम्युनिकेशन इतना अच्छा है, अच्छे से सबसे बोलते हैं, और अच्छे से मतलब जो कास्ट है, कास्ट का जो डिफरेंस है कि भाई मैं मुसलमान हूँ या तुम हिंदू हो, वो यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिला, जो कि बहुत अच्छी बात है। और सब लोग एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, ऐसे अभी आज क्लास में ही कई दोस्त मेरे ऐसे थे जो अदर कास्ट के थे और जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त फर्स्ट डे में ही बन गए, और
बस मैं यार यही चाहता हूँ, देखो कास्ट वास्ट कुछ होती नहीं है, हिंदू मुस्लिम क्या ही, तो यहाँ पे आके जब भगवान ने सबको एक ही बनाया है, यहाँ पे आके डिवीजन हो गया है कि भाई मैं हिंदू हूँ वो मुसलमान है, बस सब लोग प्यार से रहें प्रेम से रहें और क्या चाहिए, छोटी सी जिंदगी है, अच्छे से सबसे अच्छे से बोलना है, हंस के बोलना है, किसी के बारे में कोई गलत नहीं सोचना है, बस कभी जिंदगी भगवान ने दी है और कभी भगवान ले लें, क्या भरोसा है जिंदगी का, तो जब तक हैं इस धरती पे तो प्यार मोहब्बत बांटते चलो, प्यार मोहब्बत से चलो, दूसरों को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा, समझ रहे ना, कुल मिला के जियो और जीने दो।